उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का आगाज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के महोबा में शुरुआत। महोबा में योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे पीएम, यूपी के सीएम योगी भी महोबा में मौजूद। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में आसान की गई औपचारिकताएं, राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ देना जरूरी नहीं। 10 लाभार्थियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी वितरित होगा, महोबा के कार्यक्रम में 5,000 ग्रामीण मौजूद। महोबा की पुलिस लाइन में बायोफ्यूल प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा उज्ज्वला योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बलिया से उज्ज्वला योजना के पहले चरण की हुई थी शुरुआत, 2022 चुनाव से पहले महोबा से उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण लॉन्च। पीएम मोदी 5 सितंबर को जाएंगे गुजरात, गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शिक्षक दिवस समारोह में होंगे शामिल। संसद का आज अहम दिन, लोकसभा में ओबीसी संशोधन बिल पर चर्चा। विपक्षी पार्टियों ने बिल को समर्थन देने का किया है ऐलान, हंगामे के बाद चर्चा के लिए सीट पर लौटे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा हम पिछड़े वर्ग की अनदेखी नहीं कर रहे हैं, जनहित के मुद्दे उठाना हमारा धर्म। सदन हमारे लिए आम लोगों की जो कठिनाइयां हैं, आम लोगों की जो परेशानियां हैं, आम लोगों की जो तकलीफ उठाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा गरीब को सशक्त बनाना है तो चर्चा और संवाद ही एकमात्र माध्यम। राहुल गांधी के 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर खीर भवानी मंदिर में की पूजा अर्चना। खीर भवानी मंदिर में देर तक विधिवत पूजा करते नजर आए राहुल, मंत्रोच्चार के साथ आरती। राहुल ने मंदिर के सरोवर में अर्पित किया दूध, चढ़ाए फूल, कांग्रेस नेताओं ने बताया व्यक्तिगत दौरा। आज दिन भर का है व्यस्त कार्यक्रम, दरगाह हजरत बल भी गए। कांग्रेस भवन का भी उद्घाटन करेंगे राहुल, पार्टी दफ्तर में नेताओं के साथ बातचीत। कश्मीर में बोले राहुल गांधी पीएम मोदी से हम लड़ते हैं और लड़ना जारी रखेंगे। राहुल गांधी का आरोप पीएम मोदी करते हैं समाज को तोड़ने वाला संवाद, उनकी विचारधारा हिंसावादी। जम्मू कश्मीर को नफरत दिखाई, हिंसा दिखाई। राहुल गांधी का आरोप संसद में हमें जरूरी मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जाता, डराया जाता है। राहुल गांधी ने कहा दूसरे दलों और कांग्रेस में है बड़ा अंतर, कांग्रेस प्यार और अहिंसा की सेना है। जम्मू कश्मीर दौरे के बाद लद्दाख भी जाएंगे राहुल। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी को लेकर बड़ी कार्रवाई, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय गिरफ्तार। अश्विनी उपाध्याय के साथ विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक विनीत और क्रांति प्रीत सिंह गिरफ्तार। प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का निदेशक, इसी के बैनर तले भारत छोड़ो आंदोलन नाम का कार्यक्रम। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने विवाद पर दी सफाई, कहा कार्यक्रम में गेस्ट के तौर पर मौजूद थे, नारेबाजी करने वालों को नहीं जानते। जनता मंत्र प्रदर्शन को लेकर हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने कहा युवकों को कर देना चाहिए माफ। बिहार के बक्सर में टीकाकरण केंद्र पर जबरदस्त बवाल, महिलाओं के बीच धक्का मुक्के। वैक्सीन की कमी की वजह से हंगामा, जमा हो गई थी भारी भीड़। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान दूसरी लहर में दिल्ली के 80% केस डेल्टा वेरिएंट के। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, नए केस 28,200 से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 373 लोगों की मौत, 3,19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला, आतंकियों ने सीआरपीएफ टुकड़ी पर घात लगाकर की फायरिंग। शोपियां के जैनपुरा इलाके में सीआरपीएफ टुकड़ी पर की गई फायरिंग, जवान गंभीर रूप से घायल। शोपियां में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल ने जैनपुरा इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी, हमले में 4 आतंकियों के शामिल होने का शक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में बड़ा आतंकी हमला, अंधाधुंध फायरिंग में सरपंच और उनकी पत्नी की हत्या। बीजेपी नेता थे गुलाम रसूल डार, मकान में घुसकर आतंकियों ने बरसाई गोलियां।
अमृतसर के ग्रामीण इलाके में स्कूल बस की कार के साथ टक्कर, दो की मौत। कार में सवार पति पत्नी की मौके पर मौत, बस से के बच्चों को मामूली चोट। भरतपुर में बेकाबू बस पलटी, एक की मौत, 24 घायल। बहराइच में सरकारी गौशाला, सामने आई हकीकत, गौवंशों का बेहद बुरा हाल। मृत गौवंशों के साथ फेंक दिए गए थे जिंदा गौवंश, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बदहाल गौशालाओं के बीच आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहा पूरा बहराइच जिला। यूपी के गाजियाबाद में एक मंदिर में सो रहे साधु पर चाकू से हमला, अस्पताल में भर्ती है साधु, पुलिस को अज्ञात हमलावरों की तलाश। मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने कर्ज चुकाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 4 लाख की मांगी फिरौती, पुलिस ने किया खुलासा। यूपी के जालौन में सैलाब से हाहाकार, कई गांव बने टापू, मुख्यालय से कटा संपर्क। जालौन में बाढ़ प्रभावित इलाके में हेलीकॉप्टर से गिराई गई खाद्य सामग्री, चारों तरफ से सैलाब से घिरा दिखा इलाका। सीएम योगी आज जालौन और हमीरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके का करेंगे हवाई सर्वे, बाढ़ राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा। राजस्थान के बारे में जारी है सैलाब का सितम, मूसलाधार बारिश के बाद फिर सड़कों पर बह गया दरिया। बारह मिनट के इलाके में लोगों के घरों और दुकानों में भरा पानी, हुआ भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सैलाब का कहर, सड़क पर बहता दरिया पार करने की कोशिश में बहा बाइक सवार, बाइक सवार को दुस्साहस पड़ा भारी, तेज धारा में बाइक का बिगड़ा संतुलन, बाइक समेत बहा। कुछ दूर तक बहने के बाद लोगों ने बाइक सवार को किया रेस्क्यू, बची जान, लेकिन सैलाब में बह गई बाइक। कानपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा, बारिश के बाद रिहायशी इलाके में जल जमाव का संकट। चंदौली में गंगा का दिखा रौद्र रूप, 12 से ज्यादा गांवों में सैलाब का संकट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सैलाब का कहर, सड़क पर बहता दरिया पार करने की कोशिश में बहा बाइक सवार, बाइक सवार को दुस्साहस पड़ा भारी, तेज धारा में बह गया। कुछ दूर तक बहने के बाद लोगों ने बाइक सवार को बचाया, लेकिन बाइक बह गई। कानपुर में भी भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा, बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में जल भरा। चंदौली में गंगा का दिखा रौद्र रूप, 12 से ज्यादा गांवों में सैलाब का संकट। मौसम विभाग का अनुमान, उत्तरी बंगाल में अगले 10 से 15 दिन तक तेज बारिश। आज कूच बिहार और अलपुर द्वार में भारी बारिश का अनुमान, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में भी होगी मूसलाधार बरसात। गोलर में भारी बारिश के बाद सिंध नदी का बड़ा जलस्तर, सैलाब जैसे हालात। धौलपुर में भारी बारिश से आंगई पार्वती बांध फिर हुआ लबालब, खोले गए 8 गेट। राजस्थान के मारवाड़ इलाके में सूखे के हालात, बाड़मेर में बारिश के लिए इंद्रदेव की पूजा। पीएम मोदी ने की बीजेपी संसदीय दल की बैठक, सांसदों से कहा अपने क्षेत्रों में खेलों को दे बढ़ावा। भाला फेंक प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का 5 सितारा होटल में हुआ भव्य स्वागत, नीरज कल लौटे हैं वतन। नीरज चोपड़ा ने मीडिया से किया संवाद, दिखाई मेडल की सुनहरी चमक। नीरज ने कहा, मैंने कठिन परिश्रम किया और ऊपर वाले को यह पसंद आया। वहां पे जो मेरे सभी सीनियर एथलीट थे उनको देख के एक जो मोटिवेशन मिलता था और एक जो एक फीलिंग थी वहां पे जाके कि मैं अब अपने इंडिया के सबसे बेस्ट एथलीट के बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूं। ओलंपिक चैंपियन बजरंग पुनिया का सोनीपत में जोरदार स्वागत, घर पहुंचे विजेता बेटे को मां ने टीका लगाकर दी जीत की बधाई। बजरंग ने मां को पहनाया अपना ओलंपिक मेडल, मां ने मिठाई खिलाकर जताया प्यार। पत्नी संगीता फोगाट ने भी किया विजेता पति का स्वागत, बजरंग पुनिया ने पत्नी को पहनाया फूलों का हार। बजरंग के साथ उनके विदेशी कोच भी पहुंचे सोनीपत, देसी अंदाज में हुआ कोच का स्वागत। घर पहुंचे बजरंग को दोस्तों ने कंधे पर उठाकर घुमाया, घर पर दिखा मेले जैसा माहौल। यूपी के हापुड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, बीजेपी गद्दी छोड़ो की गुहार, उठाया महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा। अयोध्या में भी कांग्रेस ने बीजेपी गद्दी छोड़ो का बुलंद किया नारा, महंगाई बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार पर बोला हल्ला। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, वैक्सीन की कमी का उठाया मुद्दा।
मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। इम्फाल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। लखनऊ में एक अस्पताल में महिला मरीज के टांके काटती दिखी सफाईकर्मी। रायसेन में उल्टा भाग रही बस ने मचाया अफरातफरी। रेलिंग से टक्कर में एक यात्री घायल। बेतिया में पटरी से उतरी ट्रेन धीमी रफ्तार के चलते टल गया बड़ा हादसा। पुणे में अपार्टमेंट की बालकनी से फिसली लड़की का हैरतअंगेज रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाई जान। चौथी मंजिल की खिड़की में फंस गई थी लड़की। फायर ब्रिगेड पहुंचने तक साड़ी के सहारे लटकी रही। लुधियाना में बर्थडे पार्टी के दौरान युवक का हंगामा। पड़ोसियों के रोकने पर की मारपीट। सवालों के घेरे में हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा। अब तक 28 बार लीक हो चुका है प्रश्न पत्र। अयोध्या पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक कराकर अभ्यर्थियों के लिए हल करने का आरोप। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप। 12 से 18 लाख रुपए में बिक रहा पेपर। कांग्रेस ने सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। प्रेमी से शादी के लिए सीतापुर से भागकर कानपुर आए पुलिसकर्मी की बेटी। थानेदार ने मंदिर में कराई शादी। पुलिस वाले ने निभाई बराती और घराती की जिम्मेदारी। केरल के कन्नूर में पुलिस ने यूट्यूब चैनल चलाने वाले 2 ब्लॉगर को किया गिरफ्तार। आरटीओ दफ्तर में हंगामे के आरोप में हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में डीजे डांस को लेकर 2 गुटों में मारपीट। पथराव में परिवार के 5 लोग जख्मी। परिवार के घरेलू कार्यक्रम में जबरन घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे थे पड़ोस के दबंग। 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ में घुसखोरी को लेकर सिपाही के झगड़े का वीडियो वायरल। वीडियो में सिपाही खुद मान रहा है 40,000 की रिश्वत लेने की बात। वीडियो वायरल होने पर लखनऊ कमिश्नर ने दिया जांच का आदेश। छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार एक शख्स को छोड़ने के लिए हो रही थी सौदेबाजी। जांच में नाबालिग से रेप। आरोपी पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार।